हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका 10 फरवरी को आ जाएगा, 10 फरवरी से आप भरा जाएगा। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके विषय पे हम बात करेंगे। तो अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो फिर बनवा लें, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी आपके पास 1 मंथ का पूरा समय दिया हुआ है तो आप बनवा सकते हो उन सभी डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। तो फॉर्म फिल करते समय आपको गलतियां नहीं करनी है, इन गलतियों से आपको बचना है, ठीक है। और जो विवाहित स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो विवाहित महिला अभ्यर्थी हैं, क्योंकि बीएड क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं जो कि शादी के बाद भी अप्लाई करती हैं, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर वो गलती कर जाते हैं और ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर बच्चे जो हैं वो भी। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपके पास क्या क्या होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स जब आप अप्लाई करोगे। तो पहली चीज़ तो आपके पास 10th की मार्कशीट होना चाहिए, प्लस 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। साथ में अगर आपने यूजी किया हुआ है तो यूजी का, अदर पीजी का है तो पीजी का भी मार्कशीट होना चाहिए, राइट। तो ये तो आपका शैक्षणिक जो योग्यता है वो सभी आपके ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके पास फ़ोटो भी होना चाहिए। अगर आपके पास लेटेस्ट अपडेट फ़ोटो नहीं है या फ़ोटो किसी प्रकार से नहीं है तो आप फ़ोटो खिंचवा के रख सकते हो। साथ में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। आधार कार्ड अगर है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि ये सभी आप जब ऑनलाइन अप्लाई करने जाओगे तो वहाँ पर लगेगा, राइट। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके जब आप अप्लाई करने जाओगे फॉर्म को तो वहाँ पर लगता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एक विशेष सूचना है, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, ये ऑथेंटिक है, बिल्कुल ऑफिशियल है। केवल उत्तर प्रदेश में अस्थायी रूप से निवास करने वाले अभ्यर्थी को ही रिजर्वेशन का जो लाभ है वो मिल पाएगा। पहली चीज़ जानिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है लाभ मिलेगा। और आरक्षण संबंधी जो प्रमाण पत्र हैं अभ्यर्थी वो कैसे बनवा लें, देखो यहाँ पे एक साफ साफ दिया हुआ है कि विवाहित जो महिला हैं उनके जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र पे पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए। क्या कहा गया है, पिता के नाम पर निर्गत होना चाहिए, ठीक है। या फिर जितने भी आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हो वो पिता के नाम पर ही मान्य होगा, ठीक है। और विवाहित महिला हैं अभ्यर्थी हैं तो ये विशेष कर ध्यान दीजिएगा कि जाति प्रमाण पत्र और जो भी आय प्रमाण पत्र है वे पिता के नाम पर निर्गत होना चाहिए, राइट। तो ये आप अपडेट करवा लीजिए, और अगर आपके बहुत पुराना हो गया है तो उसको भी नया करवाइए, रिन्यू करवाइए। 1 साल के लिए सबकी वैलिडिटी होती है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर जो बच्चे हैं, EWS कैटेगरी है, तो इसका भी सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लो या फिर आप लोग अपडेट करवा लो, राइट, जिससे कि आपको आरक्षण का बेनिफिट मिल सके। क्लियर है आप लोगों को? और इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई किया जाएगा। सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल पर जुड़िए, वहाँ पर लाइव क्लासेस भी होता है, डेफिनेटली लाइव क्लास में आपको बेनिफिट होगा, अपनी प्रिपरेशन को और तेजी प्रदान कर सकते हो। धन्यवाद।